हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग या वीडियो जो भी आप समझो, तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, मैंने जैसे कि आप लास्ट ब्लॉग में मैंने एक सवाल किया था आप लोगों से कि हम शरीर के लिए क्यों इतना सोचते हैं, शरीर को कितना सजाते हैं, सज धज के रखते हैं, तो इसका मुझे कमेंट दो आया, सिर्फ दो आया। बहुत दुख की बात है, ये बहुत ही दुख की बात है गाइस कि आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं सोचूंगी कि मैं आप लोगों का कमेंट, मतलब आप लोगों को जवाब नहीं पता होगा, जवाब हर किसी को पता होगा, शायद आप लोगों को कमेंट करने में इंटरेस्ट नहीं होगा। एनीवे कोई बात नहीं, प्रभु आपको बहुत आशीष करे, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो कमेंट ये था, एक तो बहुत सही जवाब, दूसरा भी एकदम वाह वाह और ज़्यादा सही जवाब। दूसरा तो मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि सवाल के ऊपर सवाल आ गया मेरे सामने, मेरे को ऐसा लग रहा था कि सामने वाला शायद मुझे बता रहा है कि तू भूल गई है कि तुझे बाइबल तो पढ़ रही है, तो तू बाइबल में पूछना। भाई जो भी हो, आप पहले समझो तो सही कि मेरा सवाल क्या था। मैंने क्लियर इसमें कहा था कि भाई मेरे को पता है, बट मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की सोच और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं बाइबल क्या कल पढ़ी खाली उठा के? मैं 12 13 साल से बाइबल पढ़ती हूँ और बाइबल में जो लिखा है, भले मुझे इतनी समझ नहीं है उसकी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने पूरा बाइबल एकदम रट्टा मार दिया है या मैं पूरे बाइबल से भर गई हूँ, पूरे वचन से भर गई हूँ। नहीं भाई, मैं अभी भी कम हूँ, मुझे इतना समझ है नहीं, लेकिन जितना भी समझ है खुदा ने अच्छा दिया है। जो भी मुझे उसने समझ दिया है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की, और बाइबल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पढ़ोगे और आप समझ लोगे उसको। आप जितना पढ़ोगे आपको नया नया ही लगेगा उसमें सब कुछ, उसमें कुछ जूना नहीं लगेगा। जो मैंने आपसे सवाल किया था, वो अगर वो वचन को मैं फिर से जाके पढ़ूंगी ना, मुझे उसमें और कुछ नया दिखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वही सेम खुलासा हो जाएगा या वो सेम बात मुझे वापस मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो सवाल किसी को जवाब देने के पहले ना, पहले सोचो कि सामने वाले ने सवाल क्या किया था और मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, मुंह दिया ऊपर वाले ने या बुद्धि दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको उसको यूज़ नहीं करना है, बस फटक से बोल देना है। यूज़ करो, सोचो, समझो, दिमाग लगाओ कि सामने वाले ने हमसे क्या पूछा और हमें क्या बोलना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात, अपने आपने जो मुझसे कहा, आप अपने जगह सही हो, कोई बात नहीं। तो देखो, जवाब तो यही है, हर किसी का जवाब यही होता है कि हम माँ दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं। पहली बात तो ये है कि दूसरे को दिखाने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, ये गलत फहमी में जियो ही मत। आप दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हो या दूसरों के लिए जी रहे हो, नहीं नहीं नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने आप के लिए कर रहे हो। मैं आपको बोलूँगी कि ये खाना खा, वो आपको पसंद नहीं कि आप खाओगे वो खाना, नहीं खाओगे। या मैं कोई कपड़ा आपको दे रही हूँ, वो कपड़ा आपने कभी पहना नहीं है, वैसा आपको पहनना पसंद ही नहीं, क्या पहनोगे? नहीं पहनोगे। आप अपने लिए जी रहे हो, आप अपने शरीर को अपने हिसाब से रखना चाहते हो, दूसरों के हिसाब से नहीं। उसी तरह मेरा सवाल इसके लिए था कि जब आप अपने शरीर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तो आप उस आत्मा को क्यों अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहते हो? आत्मा की इच्छा को आप क्यों मार रहे हो? आप शरीर की इच्छा तो पूरी कर देते हो कि नहीं, मेरे शरीर को मुझे अच्छा कपड़ा पहनना है, मुझे अच्छा खाना है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे वहाँ घूमना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सोना पहनना है, मैं नकली नहीं पहनूंगी, या मुझे वो सेट लेना, मुझे ये लेना। सब हम अपने शरीर के लिए अपनी इच्छा के अनुसार चला रहे हैं, तो आत्मा भी हमारी खुद की है, तो हम आत्मा को क्यों नहीं चला सकते अपने हिसाब से? आत्मा की इच्छा को क्यों हम मार रहे? आत्मा जब हमें कहती है उठ वचन पर, तो हम बोलते नहीं, थोड़ी देर रुक जा बाद में। क्यों हम आत्मा को, आत्मा के हिसाब से नहीं चल रहे? क्यों नहीं कर पा रहे आत्मा के हिसाब से, बताओ? यही तो बात है ना, खुलासा। देखो, परमेश्वर हर एक को देता है। मैं अगर आपसे पूरा सवाल करने लग जाऊं या पूरी बातें बताने लग जाऊं, तो मेरे को नहीं लगता कि ये वीडियो या ब्लॉग कम, मतलब पूरा उसमें लिमिट होगा, अनलिमिट हो जाएगा। और इतना यूट्यूब पे इतना मैं डाल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो लोग को इंटरेस्ट है वो ही देखेंगे, जिनको नहीं है वो लोग चले जाएंगे, वो लोग नहीं देख पाएंगे कि वो लोग बोलेंगे क्या बोल रही, क्या मन क्या है। हर कोई बिलीवर नहीं है जो हमारी बात को समझ सके। तो मैंने बस लिमिट में पूछा एक चीज़, तो प्लीज़ उसका आंसर है ना, अगर पता है तो लिमिट में दो, नहीं पता है तो चुप रहो। उसमें सवाल में सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, सवाल को पहले समझने की कोशिश करो। हर जगह पे आप अपने आप को एकदम ज्ञानवान बुद्धिमान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को छोटा करो, अपने आप को छोटा करो,
वो आपको ऊंचा उठाएगा। आप बोलोगे कि नहीं, मैं सब में बड़ा, मैं बहुत अक्लमंद, हर एक के चीज़ में नुक्स निकालना, हर एक के चीज़ में गलती निकालना, हमारा काम नहीं है ये। क्योंकि हम अभी भी हम अपने बुद्धि से बहुत कम है, बहुत कम है, हम कुछ भी नहीं है। तो गाइस, अगर आपको मेरी बातें गलत लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं किसी को टोंट नहीं मार रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि बात क्या है और समझने की भूल क्या है। तो अगर आपको सच में मैं बोल रही हूँ कि मैंने किसी को टोंट मारने के हिसाब से नहीं बोला, ये मेरा समझाने का तरीका था, मैंने समझाया। देखो, हर किसी को कुछ भी, अभी मैं कमेंट में अगर कमेंट कर देती तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि मेरे को सवाल मैंने क्या किया, किसने जवाब दिया। इसके लिए मैं एक वीडियो बना के डाल रही हूँ कि ऐसा मुझे सवाल जवाब आया और ऐसा सवाल आया। तो दूसरों को सवाल करने के पहले कम से कम तो सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं और सामने वाले ने हमसे क्या पूछा, हमें क्या जवाब देना है। तो प्लीज़ आप लोग दिल पे मत लीजिएगा कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, मतलब क्या ऐसा, मैं किसी को टोंट नहीं मार रही हूँ, मैं एक बता रही हूँ, जनरल बात आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो ये बात तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अगर बुरा भी लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़ ज़रूर। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं फिर भी आपसे सॉरी बोल रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।